नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिसेन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बासमती चावल निर्यातकों को झटका, बासमती चावल का एमएपी $1200 प्रति मीट्रिक टन किया तय। और G20 शिखर बैठक की कामयाबी का असर, निफ्टी ने पहली बार छुआ 20,000 के आंकड़े को। G20 शिखर बैठक की कामयाबी का असर सोमवार को शेयर बाजार में नजर आया है। निफ्टी ने पहली बार 20,000 के आंकड़ों को छुआ है। 188.2 अंक बढ़कर यह 20,008.15 की नई ऊंचाई तक पहुंचा और 19,996.35 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 573.22 अंकों की बढ़त के साथ 67,172.13 अंक तक पहुँचा। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोमवार को सोना 50 रुपए की गिरावट के साथ 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,050 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 500 रुपए की तेजी के साथ 74,400 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। केंद्र ने विभिन्न देशों में भारत से निर्यात होने वाले बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी MEP $1200 प्रति मीट्रिक टन तय कर दिया है। बासमती के नाम पर विदेश में बेची जाने वाली गैर बासमती चावल पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। कच्चे गैर बासमती चावल पर रोक के बाद यह देश भर के चावल निर्यातकों के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे निर्यातकों के पहले से ही सस्ती दर पर किए गए सौदों पर भी संकट आ गया है। निर्यात में बड़ी गिरावट की भी आशंका उत्पन्न हो गई है। वहीं घरेलू बाजार में चावल सस्ता होने की संभावना जताई जा रही है। चालू वित्त वर्ष 2023 और 24 में घरेलू वृद्धि तथा विनिर्माण बाजारों में निर्यात बढ़ने से भारतीय दवा उद्योग के राजस्व में 8 से 10% की वृद्धि होने की उम्मीद है। भले ही अर्ध विनियमित बाजारों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो, घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि 186 दवा निर्माताओं के अध्ययन में यह बात सामने आई है। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष में इस क्षेत्र की 3.7 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व का करीब आधा हिस्सा है। विभिन्न कारोबार से जुड़े SR ग्रुप ने अपनी इकाई KSA ग्रीन स्टील अरेबिया यानी GSA परियोजना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराने को लेकर सौर ऊर्जा से जुड़ी कंपनी डेजर्ट टेक्नोलॉजीज के साथ सोमवार को करार किया है। SR ने कहा कि दोनों कंपनियों ने किंगडम ऑफ सऊदी अरब यानी KSA में SR समूह की ग्रीन स्टील अरेबिया GSA परियोजना के साथ साथ भविष्य की संभावित परियोजनाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा समाधान विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता सऊदी अरब को हरित इस्पात उत्पादन SR हाउस और हरित ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के तौर पर स्थापित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बासमती चावल निर्यातकों को झटका, बासमती चावल का MEP $1200 प्रति मीट्रिक टन किया तय। और G20 शिखर बैठक की कामयाबी का असर, निफ्टी ने पहली बार छुआ 20,000 के आंकड़े को। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।